हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे इक्विटी मार्केट के अपडेट्स। इक्विटी मार्केट के अपडेट लेने के पहले हमने कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिए थे, कल क्या, आज क्या हाई पोस्ट हुआ, क्या लो पोस्ट हुआ, कौन से स्टॉक्स को बाय करने या सेल करने कहा था, पहले उसका छोटा सा ओवरव्यू कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। मुझे सबसे पहले तो बहुत हंसी आ रही है, बहुत लोग तेजी करके बैठ गए भैया, अब तो ये पैकेज आ गया है या फिर पैकेज आने वाला है। सब लोगों की एक्सपेक्टेशन थी पैकेज आने वाला है, पैकेज आ भी गया, लेकिन हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत डिफिकल्ट हो गया अभी लोगों के लिए पैसा बनाना, और अपन इसी डिफिकल्ट टाइम में 50% प्लस का नेट आरओआई दे चुके हैं। यकीन नहीं आता, परफॉर्मेंस शीट को जरूर विजिट करिएगा और खुद ही देखिएगा, एक एक चीज़ को ऑडिट करिएगा। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं आपसे कितना परसेंट का आरओआई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं एनएससी इक्विटीज से। ये परफॉर्मेंस की बात मैं इसीलिए करता हूं ताकि आप लोग रियलाइज करें कि बॉस एक्चुअली में पैसा बनाया जा सकता है। 52.63% का आरओआई निकाल के बैठे हुए हम लोग, 52.63% का, यस, वो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% के करने के बाद, यानी जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, उसके बाद 30% स्ट्रेट अवे डिडक्शन कर देते हैं कि आपने कोई सौदा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया कर पाया होगा, या फिर आप जो लोग आप लोगों को जो बाय सेल की रेंज दी जाती है उसमें आप लोगों ने हायर रेंज में और या फिर लोअर रेंज में, कोई सेल कॉल होगा तो लोअर रेंज में सेल एग्जीक्यूट किया होगा, सारी पॉसिबिलिटी को एग्ज्यूम करके 30% नेट प्रॉफिट डिडक्ट कर दिया जाता है, और वो नेट प्रॉफिट 52.63% का है। बॉस चालू कर दो काम, अगर चालू नहीं किया हो तो वैसे ही बाहर अपने कामकाज में नुकसान हो ही रहा है, कम से कम कहीं तो कुछ प्रोडक्टिव काम करें। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिए थे, 9290 का पहला सपोर्ट लिया था, 9190 का दूसरा सपोर्ट लिया था। इसका रेजिस्टेंस आप लोगों को बताया था 9375 का, जो हमारा मैजिकल फिगर था। आज का हाई पोस्ट हुआ है 9282 का, यानी जो पहला सपोर्ट बताया था वो बन गया था रेजिस्टेंस, और देखिए हाई कितना है 9282 का। इसका लो पोस्ट हुआ है 9110 का, और हमने 9190 का पहला सपोर्ट लिया था। अगर मेरी कल के पहले की सारी वीडियो देख लीजिए आप, यानी 4 या 5 या 6 वीडियो होंगी कम से कम, उसमें मैंने सब जगह 9110 का सपोर्ट बोल रहा था, और आज का लो लग गया है 9110 का। हालांकि चूंकि मुझे दो सपोर्ट देने होते हैं इसलिए मैंने आप लोगों को दो सपोर्ट दिया था, तीसरा सपोर्ट 9110 का ही आता था। तो बाजार रहा है 100% हमारी रेंज में। जो कल के लिए इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 9054, और 9054 को अगर तोड़ देता है वो तो 8920 तक की जगह खुल जाएगी। अपर साइड में 9190 का और उसके बाद 9270 का, और इसका मैजिकल फिगर निकल के आ रहा है 9330 का। मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिनके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज, और जिनके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा। मैजिकल फिगर तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का आज हाई पोस्ट हुआ है, रेजिस्टेंस जो दिया था वो 19800 का, और दूसरा रेजिस्टेंस 19800 और 19825 के आसपास के आप लोगों को मैजिकल फिगर भी था और रेजिस्टेंस भी बताया था। लोअर लेवल में आप लोगों को सपोर्ट बताया था 19150 का, आज इसका हाई पोस्ट हुआ है। अच्छा, एक और सपोर्ट बताया था 19450 का, और इसका आज हाई है 19340 का, यानी जो सपोर्ट बताया था उसके नीचे बाजार खुल गया, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। और इसका लो पोस्ट हुआ है 18957 का, अपन ने दिया था 19150 का सपोर्ट। क्लोज हुआ है 19054 पे, 19054 पे। इसके कल के लिए सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 18500 और 18000 का, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 19400, 19550 और 19800। 19800 ही हमारा होगा मैजिकल फिगर। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मैजिकल फिगर के नीचे है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार है मंदा। देखते हैं, आप रेजिस्टेंस पे सेल करिए और सपोर्ट लेवल पे बाय करिए। आज किसी ने कमेंट किया था, मैंने आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर मैंने कॉल और पुट बाय कर लिया। पहले आप मैजिकल फिगर देखिए, मैजिकल फिगर के नीचे चल रहा है बाजार तो आप लोगों को पुट बाय करना होता है, और ऊपर चल रहा है बाजार तो कॉल बाय करना होता है। इस तरह की रणनीति बनाइए तो आप फायदे में रहेंगे। चलिए बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक की। ICICI बैंक को सेल करने कहा था, रेंज नहीं मिल पाई, 340 के आसपास बोला था, 334 का हाई पोस्ट हुआ है। M&M को सेल करने कहा था 3416 में, 407 का है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बाजार गैप डाउन ओपन दे दिया है। इन्फोसिस को बाय करने कहा था, इन्फोसिस बच गए,
ब्रेकआउट तो मिला लेकिन लोअर साइड का ब्रेकआउट मिल गया। जिस दिन भी ये अब 696 के ऊपर क्लोज होगा तभी कोई तेजी डेवलप होगी, वरना भूल जाइए। अभी तीसरा स्टॉक दिया था आईटीसी को सेल करने, 167-168 के आसपास सेल करना था, 169-60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 164-161 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाईएस्ट का पोस्ट हुआ है 168.25 का, 161.95 का लो पोस्ट हुआ है, 163.80 पे क्लोज हुआ है। 164 का पहला टारगेट था, पहला टारगेट हो गया। बम बम बोले जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोल के ही कमेंट कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। कल के लिए 15 तारीख के लिए क्या सपोर्ट रह सकता, कौन से स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं? आज हो गई 14 तारीख, कल है 15 तारीख, अभी बज रहे हैं 4:04। कल SBI बैंक को सेल करेंगे 168-169 के आसपास, 173.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 163 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा ICICI बैंक को सेल करेंगे 328-331 के आसपास, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 334.60 का, टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 322-316 के। तीसरा स्टॉक होगा हमारा आईबुल को सेल करेंगे 134.50-137 तक की रेंज में, थोड़ी रेंज बड़ी है, स्पेक्युलेटिव काउंटर है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 139.10 का, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, 129 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक होगा हमारा डिलीवरी कॉल स्टॉक होगा, कोशिश देखते हैं इस बार आ जाए, शायद काम दो तीन बार दे चुका हूँ, 20-20 रुपये से रेंज छोड़ देता था, अच्छा हुआ नहीं आया, कम से कम सर पे लेके नहीं बैठे कोई पोजिशन। हमारे परफॉर्मेंस शीट में 0 होल्डिंग है और 52% का मुनाफा है। डॉक्टर रेड्डी को बाय करेंगे 3580-3600 के आसपास, 3549 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, कुछ हार्डली 30-40 रुपये का स्टॉप लॉस है, टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 3800 तक के। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो डॉक्टर रेड्डी को इस रेंज में ले सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करिए पोजीशन। लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को डिलीवरी में पोजीशन, बाकी मेरे तीनों कॉल सेल के कॉल हैं, तो सेल के कॉल जो होंगे वो इंट्राडे काटने होंगे, क्योंकि मेरे सारे कॉल्स होते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स के 42 शेयर्स में कवर करता हूँ और उन्हीं में कंटिन्यूस रणनीतियाँ बना के देता हूँ आप लोगों को। सेल कॉल होते हैं तो हमको इंट्राडे कवर करने होते हैं, बाय कॉल होते हैं तो हम डिलीवरी मार्क कर सकते हैं अपने DP अकाउंट में और उसको होल्ड कर सकते हैं। तो जिस दिन भी सेल कॉल होते हैं उस दिन आप लोगों को निश्चिंत होकर काम करना पड़ता है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सकें मुनाफा, 52% तक का मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी सोशल मीडिया की लिंक्स होती हैं, आप चाहें तो सब जगह क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक अकाउंट ओपनिंग का लिंक होता है, आप चाहें तो उसको क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे डायरेक्ट प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे। आज वैसे निफ्टी को मैंने अपने व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में सेल कॉल दिया हुआ था, 9230 तक के आसपास सेल करने कहा था, 9000 तक के टारगेट दिए हुए हैं, तो आज काफ़ी सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म होता है, आप चाहें तो उसको भर के भेज सकते हैं ताकि हम अपनी सेवाओं में और सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।